हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको फेसबुक मैसेंजर को डीएक्टिवेट कैसे करना है। फ्रेंड्स, बेसिकली मैं तो एक पहले भी वीडियो बना चुका था जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, उसमें वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई थी तो आप लोग मतलब वीडियो को स्किप कर दे रहे थे, तो कोई बात नहीं। मैं इस वीडियो में मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कैसे फेसबुक मैसेंजर को डीएक्टिवेट करते हैं। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो 5-6 मिनट की हो जाएगी, आपको पूरा वॉच करना होगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि फेसबुक मैसेंजर को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। और अगर डीएक्टिवेट नहीं हुआ आपका फेसबुक मैसेंजर इस वीडियो के देखने के बाद, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके 200 सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पूरा डिटेल बताते हैं कि कैसे आपको फेसबुक मैसेंजर को डीएक्टिवेट करना है। फ्रेंड, दरअसल होता क्या है कि कई बार आप लोग फेसबुक पर से ब्रेक लेना चाहते हो, मतलब कुछ दिन के लिए यूज नहीं करना चाहते हो, आपका मे बी आपका एग्ज़ाम हो या फिर आप कहीं जा रहे हो, तो आप उस समय फेसबुक को मतलब उस पर से ब्रेक लेना चाहते हो, मतलब नहीं यूज़ करना चाहते हो। तो होता क्या है कि आप फेसबुक को तो डीएक्टिवेट कर देते हो बस, बट मैसेंजर पर आप एक्टिव रहते हो, ठीक है। तो आपका मैसेंजर पे मैसेज आता रहता है, और वैसे में होता क्या कि आप काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हो, तो आप फेसबुक मैसेंजर को डीएक्टिवेट नहीं कर पाते हो। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि फेसबुक मैसेंजर को डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, ठीक है, और आप फिर उस पर मतलब बाद में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा और बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आपको पूरा मतलब समझ नहीं आ पाएगा कि कैसे फेसबुक मैसेंजर को डीएक्टिवेट करना है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ओके करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो के शुरू करते हैं। तो चलिए फ़ोन के होम स्क्रीन चलते हैं और आपको पूरी डिटेल में बताते हैं कि कैसे फेसबुक मैसेंजर को डीएक्टिवेट करना है और पूरा क्या क्या है प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब चलते हैं फेसबुक पे। तो यहाँ पे मैं फेसबुक टाइप कर दिया और फेसबुक पे आ गया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा फेसबुक पेज ओपन हो चुका है फेसबुक, और इस पर ये लॉग आउट हो गया। इसको लॉग इन दोबारा मैं करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं जैसे कि लॉग इन दोबारा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा फेसबुक लॉग इन हो चुका है। अब चलते हैं हम सेटिंग्स पे। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये सेटिंग्स खुल रहा है, नेटवर्क थोड़ा इशू है तो यहाँ पे मतलब बफरिंग हो रहा है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मतलब खुल चुका है। अब हम यहाँ पर चलते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी पे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटिंग, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल रहा है। उसके बाद से आपको जहाँ ऊपर देख सकते हैं अकाउंट का ऑप्शन है, इसमें पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सबसे नीचे आप देख सकते हैं अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, तो आपको इस पर क्लिक करना है। पूरा ये स्टेप देखते रहिएगा, फिर तभी जाके मतलब आपका जो फेसबुक का मैसेंजर है वो डीएक्टिवेट हो पाएगा, ठीक है। तो नीचे देख सकते हैं डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन का ऑप्शन, इस पर आपको ओके करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर डीएक्टिवेट अकाउंट पर ऑलरेडी क्लिक है, तो इसको आपको पहले डीएक्टिवेट करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं, मैं अकाउंट डीएक्टिवेशन पर क्लिक कर दिया हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, तो आपका जो भी पासवर्ड है उसको आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डीएक्टिवेट अकाउंट पर ऑलरेडी क्लिक है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू टू एक्टिव अकाउंट डिलीशन डीएक्टिवेशन करता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, ये मतलब कुछ ऐसा ऑप्शन आ गया है पासवर्ड डालने के बाद से, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है दिस इज़ टेम्पररी आई विल बैक, ठीक है। चाहे जो भी ऑप्शन आपको क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपका रीज़न होगा। फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में आइएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। फिर यहाँ पर रीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट, तो कब आपको अकाउंट आपका खोलना है, जो भी आपका करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे लास्ट वाला कर देता हूँ, डोंट रीएक्टिवेट अकाउंट ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली मतलब नहीं होना चाहिए, मैं जब करूँ तभी अकाउंट मतलब लॉग इन होना चाहिए, या फिर अकाउंट जो फिर से दोबारा मतलब मैं अगर अकाउंट चालू करना चाहूँ तो फिर से जब मैं चाहूँ तभी हो, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन कर दीजिए, फिर यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे नीचे से आइएगा, उसके बाद से डीएक्टिवेट माई अकाउंट, ठीक है, इस पर आपको ओके कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये लॉग आउट हो जाएगा और आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद से आपको चलना है मैसेंजर में। मैं फिर बताता हूँ कि मैसेंजर को कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आप जब तक आप फेसबुक को डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक आप मैसेंजर को डीएक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फेसबुक को डीएक्टिवेट करना है, तो मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है।
अब चलते हैं मैसेंजर पे, फेसबुक मैसेंजर पे, तब जाके वहाँ पे मतलब ऑप्शन आएगा डिलीट का, डीएक्टिवेट का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं फेसबुक मैसेंजर पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, ठीक है। जैसे कि ये लॉग आउट हो रहा है, मैं दोबारा लॉग इन करके आपको समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो फेसबुक मैसेंजर है वो मतलब खुल गया है। मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे ओके करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मेरा फेसबुक मैसेंजर खुल गया है। अब आपको जाना है यहाँ पे प्रोफाइल पे आपके, फिर यहाँ पे प्रोफाइल खुल जाएगा। फिर आपको सबसे नीचे आना है लीगल एंड पॉलिसीज पे, तो मैं लीगल एंड पॉलिसी पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे आप फ्रेंड देख सकते हैं कि डीएक्टिवेट मैसेंजर का ऑप्शन आ गया है। पहले मैसेंजर डीएक्टिवेट मैसेंजर का ऑप्शन नहीं आता था। जब तक आप फेसबुक को डीएक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक मतलब मैसेंजर पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि मैं जब फेसबुक को पहले डीएक्टिवेट किया हूँ फिर मैसेंजर पे आया, तो मैसेंजर पे यहाँ पे डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ गया। तो मैं अब डीएक्टिवेट मैसेंजर पे ओके करता हूँ। तो जैसे कि ऊपर देख सकते हैं आप लिखा है डीएक्टिवेट मैसेंजर, ठीक है। तो ऐसे करके आप मतलब फिर अपने मैसेंजर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड टाइप करना, जो भी आपका फेसबुक का पासवर्ड है। तो मैं पासवर्ड टाइप कर दिया अपना, फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे ओके करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन फिर लास्ट में दिया है डीएक्टिवेट, तो इस पर डीएक्टिवेट पर क्लिक कर दिया हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि देख सकते हैं आप, ये मैं डीएक्टिवेट पर क्लिक कर दिया और ये मेरा फेसबुक मैसेंजर पूरा तरह से डीएक्टिवेट हो गया है। यहाँ पे ऊपर लिखा है डीएक्टिवेट मैसेंजर, फिर नीचे देख सकते हैं सीजन एक्सपायर्ड प्लीज़ लॉग इन अगेन, मतलब ये डीएक्टिवेट हो गया, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जब आप चाहोगे तभी मतलब इसको आप फिर लॉग इन कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कोई नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।